गुणवत्ता एवं भरोसे के कारण पीढ़ियों से चलता हुआ एक भरोसेमंद नाम सनब्लेज किचन अप्लायंस के संसार में आपका स्वागत है। सनब्लेज में अपने उत्पादों की श्रृंखला में एक नया उत्पादक जोड़ा है, सनब्लेज चपाती मेकर, उत्तम गोल रोटी बनाने का एक आसान तरीका। हर व्यक्ति फूली हुई नरम गरम रोटी खाना पसंद करता है, लेकिन हर कोई इसे बनाने में सक्षम नहीं होता। परंतु अब सनब्लेज चपाती मेकर का धन्यवाद, जिसने चपाती बनाना कर दिया है बहुत आसान। अब देखें कि सनब्लेज रोटी मेकर में रोटी बनाना कितना आसान है। आवश्यकता के अनुसार गेहूं का आटा एवं एक चुटकी नमक व थोड़ा तेल ले और पानी डालें। उसे बहुत नरम और चिपचिपाहट के बिना तैयार होने तक मिक्स करें, ताकि सनब्लेज चपाती मेकर में चपाती नरम बन सके। पहले सनब्लेज चपाती मेकर के अंदर की सतह को अच्छी तरह साफ सूखे कॉटन के कपड़े से साफ कर लें। तब प्लग को सॉकेट में डालें, जिससे सनब्लेज चपाती मेकर में लाल बत्ती जल जाएगी। 5 से 6 मिनट के बाद जब तापमान ठीक सतह पर पहुंच जाएगा तो लाल बत्ती अपने आप बुझ जाएगी और हरी बत्ती जल जाएगी। अब आपका सनब्लेज चपाती मेकर प्रयोग के लिए तैयार है। गूंदे हुए आटे का छोटा सा हिस्सा लेकर गोला बनाएं और उसे थोड़ा सा दबा दें। अब उसे ग्रिड की निचली सतह पर रख दें और ऊपर वाले ग्रिड के हैंडल से दबाएं। रोटी को 5 से 10 सेकंड तक उसमें रखें। आप देखेंगे कि रोटी पर छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे हैं। अब आप रोटी को उल्टा कर दें और 5 से 10 सेकंड तक रखें, तब आप देखेंगे कि रोटी फूल रही है। अगर रोटी फूल नहीं रही है तो फिर से ऊपर ग्रिड को बंद कर दें, तब आप देखेंगे कि रोटी पूरी तरह फूल गई है। आपकी बहुत बढ़िया गोल नरम और गरम रोटी तैयार है। गूंदा हुआ आटा अपूर्ण। कभी कभी गूंदा हुआ आटा गिरकर ऊपर ग्रिड पर लग जाता है। ऊपरी ग्रिड और हैंडल को बहुत लंबे समय तक ना दबाएं। गूंदा हुआ आटा ताज़ा हो, बासा नहीं हो, ज़्यादा ढीला ना हो, जिससे वह सनब्लेज चपाती मेकर में दबाया ना जा सके।